कर दोस्तों टेक चैंपियन किंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप अपने फ़ोन में यदि व्हाट्सअप का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों अभी तक आपको ये नहीं पता है कि हमारी व्हाट्सअप किसी बंदे ने हैक कर रखी है या आपकी व्हाट्सअप अभी हैक नहीं हुई है। दोस्तों आपको कैसे बचना है, अपनी व्हाट्सअप को हैक होने से आपको कैसे बचाना है, दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आपको अपनी जो व्हाट्सअप है उसको कैसे पता करना है कि हमारी जो व्हाट्सअप है किसी ने हैक कर रखी है। आपको दो ऐसी खतरनाक सेटिंग बताने वाला हूँ दोस्तों, इन दो सेटिंग्स को करने के बाद आपकी कभी भी व्हाट्सअप हैक नहीं होगी और आपको पता भी लग जाएगा कि हमारी व्हाट्सअप को हैक होने से कैसे बचाना है। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले जो चैनल पर नए आए होंगे, वीडियो के नीचे एक लाल कलर का बटन दिख रहा होगा दोस्तों, इसको आपको काला कर देना है और दोस्तों जो नोटिफिकेशन है इसको ऑल कर देना है। इससे क्या होगा दोस्तों, जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या काम करना है, सबसे पहले आपको अपनी व्हाट्सअप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको थ्री डॉट पर आना है। थ्री डॉट पर आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आना है सेटिंग के ऑप्शन में। सेटिंग के ऑप्शन में आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा दोस्तों चार्ट के नाम से, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। दोस्तों आपको चार्ट बैकअप पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा दोस्तों गूगल अकाउंट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों आपको यहाँ पर चेक करना है कि जिससे आप अपनी फेसबुक चलाते हो, व्हाट्सअप चला रहे हो और जिससे आप अपनी कोई भी अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम चलाते हो, जो जिससे यूट्यूब चला रहे हो, यदि आपकी वो वाली ईमेल आईडी यहाँ पर नहीं है और आपको नई ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई नई ईमेल आईडी आपको दिख रही है, तो समझ लेना आपका व्हाट्सअप हैक हो चुका है। दोस्तों इससे बचने के लिए आपको उस वाली ईमेल आईडी को यहाँ से रिमूव कर देना है। दोस्तों आपको ये एक सबसे नंबर वाली सेटिंग आपको ये देख लेनी है। इस सेटिंग को करने के बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको फिर से थ्री डॉट पर आना है। थ्री डॉट पर आने के बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लिंक्ड डिवाइस। दोस्तों यदि आपके यहाँ पर व्हाट्सअप वेब की जगह पर लिंक डिवाइस आ रहा है, तो समझ लेना आपकी एक ही बात है कि व्हाट्सअप वेब की जगह अब ये लिंक डिवाइस आ चुका है, आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों लिंक डिवाइस पर क्लिक कर देना है। लिंक डिवाइस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इस तरीके से, यदि आपकी जो इस तरीके से आपकी व्हाट्सअप ओपन हो रही है, तो समझ लेना आपकी व्हाट्सअप दोस्तों हैक नहीं है। दोस्तों जब मैं आपको बताऊंगा कि आपकी व्हाट्सअप हैक कब होगी, आपका जो ये कैमरा है ओपन नहीं होगा, मैं आपको देख कर बताता हूँ। जब कोई बंदा आपकी व्हाट्सअप हैक करना चाहेगा दोस्तों, क्या करेगा, वो अपने फ़ोन की एक व्हाट्सअप को डाउनलोड करेगा। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों क्या करेगा, वो अपनी व्हाट्सअप को ओपन करेगा, थ्री डॉट पर जाएगा, लिंक के डिवाइस पर क्लिक करेगा। दोस्तों इतना काम करने के बाद दोस्तों वो क्या करेगा, अपने जो आप उसका फ़ोन होगा बंदे का, इसमें आपके कोड को स्कैन करके जो आपके फ़ोन का सारा डाटा है इस फ़ोन में ले लेगा। दोस्तों यदि आपकी व्हाट्सअप को हैक कर लिया गया है, तो समझ लेना यहाँ पर आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा लिंक ए डिवाइस के नीचे, ठीक है दोस्तों, एंड्रॉयड के नाम से या कुछ भी आपके लैपटॉप दिख जाएगा। दोस्तों इससे आपको बचना है, तो आपको क्या काम करना है, आपको इसको एंड्रॉयड को यहाँ से रिमूव कर देना है दोस्तों, इस तरीके से लॉग आउट कर देना। दोस्तों क्या होगा, जब आप इस तरीके से कर दोगे तो समझ उसके फ़ोन से भी आपकी जो व्हाट्सअप की चैटिंग है लॉग आउट हो जाएगी। दोस्तों इन दो सेटिंग के करने के बाद आपकी व्हाट्सअप कभी भी हैक नहीं होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, जो चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। चलिए आपका दिन शुभ हो।